अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अब ये पिक्चर देखें आप, ये हमारा सूट है। पिक्चर में ये सूट जो है ना, नॉर्मल कुर्ती बनी हुई है। ये इसकी बैक है प्रिंट, और ये ब्लैक है, ये इसका फ्रंट है। ये देखें, ये प्रिंट ब्लैक बैक है और फ्रंट जो है ब्लैक है। और इसका जो पेज है, ये नीचे दामन में लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरह इसे तैयार नहीं करेंगे, हम इसे अपने हिसाब से तैयार करेंगे, इसकी डिजाइनिंग करेंगे हम। तो हम सबसे पहले इस बैक पे जो है ना प्रिंट की जो है ना बॉडी काटेंगे। यहां से डबल कर लेंगे। पहले हम फ्रंट की बॉडी काटेंगे। हमें ये पिंक ज्यादा शो करना है, ठीक है। तो पिंक हम सेंटर में लेके आएंगे। हम इस पे निशान लगा लेंगे, यहां से हम इसे सीधा निशान लगा लेंगे। यहां से एक निशान हम 4.5 इंच पे लगा लेंगे, ठीक है। यहां से हम इसे आड़ा कर लेंगे। यहां से हम इसे 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ये मीडियम साइज बना रहे हैं, ठीक है। और यहां से हम इसे कमर का निशान लगाएंगे 16 इंच पे, क्योंकि हम ये बॉडी काट रहे हैं, 15 इंच हमारी तैयार होगी। ये निशान हम सीधे कर लेंगे। इसके शोल्डर के निशान हम 7.5 इंच पे लगाएंगे, चेस्ट का निशान 9.5 इंच पे, और वेस्ट का निशान 8 इंच पे। ये निशान हम सीधे कर लेंगे। यहां से अंदर की साइड एक निशान लगा लेंगे। यहां से हम इसे शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने फ्रंट की बॉडी की कटिंग की है। अब इसके ऊपर हम सेट कर लेंगे, बैक की बॉडी काट लेंगे। हमारी बैक फ्रंट की दोनों बॉडियां कट गई, ठीक है। अब हम इसके नीचे वाला फ्लेयर काटेंगे। सिम यहां से डबल कर लेंगे। इसे हम नाप लेंगे, ऊपर 15 इंच की हमारी बॉडी तैयार होगी, ठीक है। ये 1/2 इंच हमने ऊपर निकाल दिया इसके दबाव का। ये देखिए 37.5 इंच आ रही है, ठीक है। 37 इंच हमारी लंबाई तैयार होगी। इसे हम बीच में से काट लेते हैं, बैक फ्रंट की जो हमारी यहाँ पे बॉक्स प्लेट डालेंगे। हम यहाँ से सेट कर लेंगे, यहाँ से बीच में से काटते चले जाएंगे। ठीक है, ये मैंने काट दिया। इसे हम यहां से डबल कर लेंगे। ये देखिए हमारे कपड़े का अर्थ है 19.5 इंच आ रहा है, ठीक है। डबल किया हुआ है मैंने। अगर ये सिंगल हम नापेंगे तो तकरीबन ये 39 इंच, मतलब 39 इंच आएगा। तो इसे हम यहाँ पे प्लेटें देंगे, 5 प्लेटें फ्रंट में देंगे, 5 बैक में देंगे। तो इसे यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये 2 इंच पे निशान लगा दिया। उसके बाद हम 3 इंच का गैप देंगे, और यहाँ से हम इससे 1 इंच 4 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। फिर हम 3 इंच का गैप देंगे, फिर हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये एक बॉक्स प्लेट हमारी ये सेंटर में आएगी बिल्कुल, ठीक है।
ये 3 इंच का हमारा गैप आएगा, फिर ये 4 इंच का जो हमने निशान लगा ये एक बॉक्स प्लेट आएगी, फिर ये 3 इंच का गैप आ जाएगा, फिर ये 4 इंच का निशान लगा ये एक बॉक्स प्लेट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कट भी लगा लेते हैं। अब इसे हम पहले यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, इतनी सी तकरीबन आधे इंच की सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा नीचे तक नहीं लेके आएंगे। ठीक है, आधे इंच की सिलाई लगा पक्का कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर ये जो हमने कट लगाए हैं एक ये और एक ये, 3 इंच का जो गैप है बीच में से, उसके बाद जो दो कट आ रहे हैं हमारे, इन दोनों कट को आपस में मिला लेंगे इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे भी हम आधे इंच की सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद फिर हम 3 इंच का गैप देंगे, फिर ये जो दो कट आ रहे हैं हमारे ये वाले साइड वाले, इससे भी हम आधे इंच की सिलाई लगा लेंगे पक्का कर देंगे। ठीक है, अब हम मशीन पे इसी जो है ना बॉक्स प्लेट की सिलाई लगाएंगे। ये देखें मैंने पांचों बॉक्स प्लेट दे दी, हमारी कमर जो है ना 16 है। ठीक है, तो ये देखें 16 इंच हमारी जो है ना ये सेंटर की हमारी बॉक्स प्लेट है, ये 8 इंच यहाँ से मिला लेते हैं हम। ये देखें ये साइड पे हमारा दबाव आ जाएगा बाकी, और इस साइड पे भी इसी तरह हमारा दबाव आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ये प्रेस की हुई है हमने, बॉक्स प्लेट उसी हिसाब से हमने सारी प्रेस कर दी पूरी नीचे तक। ठीक है, जितना गैप ऊपर से उतना ही गैप हमने पूरा नीचे तक लगाया। अब इसे हम बॉडी में लगा लेंगे, तो हम फ्रंट की बॉडी इसके साथ जोड़ लेंगे, यहाँ हम कट लगा लेंगे सेंटर का। हमारी सेंटर की जो है ना प्लेट ये थी, तो हम यहाँ से जोड़ लेंगे इसे। ये मैंने फ्रंट की बॉडी जोड़ दी, बैक की बॉडी भी इसी तरह हम जोड़ लेंगे, बॉडी भी जोड़ दी इसके साथ। ठीक है, मैंने बॉक्स प्लेट इसके नीचे तक बिठा दी। और ये इसके मैंने फ्रंट में जो है ना बोर्ड गला बना दिया, बोर्ड गला हमने इसका बड़ा बनाया क्योंकि हमें बैक में जो है ना गला नहीं बनाना, इसकी हमने कोटी बनानी है, कोटी में हमारा कॉलर लगेगा। ठीक है, तो गला हमें इतना बड़ा बनाया है कि हमारा सर आ जाए इसमें। ठीक है, तो 9.25 इंच है इसकी फैलाई। ठीक है, और यहाँ से डीप जो है 5 इंच है, तो इसमें आपका सर आराम से आ जाएगा। तो हम इसकी कोटी काटेंगे, इसको गला हम बाद में काटेंगे क्योंकि हमने कोटी जो है ना इसके ऊपर रख के काटनी है, इसकी हम कोटी काटेंगे। इसे हम डबल कर लेंगे यहाँ से, फ्रंट की बॉडी इसके ऊपर हम सेट कर लेंगे।
यहां से हम इसी बराबर मिला लेंगे, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसे हम हटा लेंगे यहां से। तो हमारी 15 इंच की बॉडी तैयार है, ठीक है। 16 इंच की काटी थी हमने इसकी कोटी की, इसकी फ्रॉक की, तो इसकी भी हम 16 इंच पे काट लेंगे। इसकी हम कटिंग कर लेंगे यहां से। अब हम इसके नीचे के लिए अस्तर भी काट लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम यहाँ से डबल कर लेंगे। अब इसे इसके ऊपर हम सेट कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने कोटी का अस्तर भी काट लिया, ठीक है। दूसरा भी हम गेंजा का पीस इसके ऊपर सेट कर लेंगे। अब हम इसका आला काटेंगे, यहाँ से हम इसका नापेंगे आला, ठीक है। यहाँ से हम इसे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इस निशान से, और इस तरह सीधा हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, इसे यहाँ से शेप दे देंगे। यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसे जो है ना यहाँ से इस नोक से जो है ना यहाँ तक जो है तकरीबन नीचे से जो है ना हम इसे 1 इंच तक काट देंगे। ये जो हमारा काम बना हुआ है यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमने इसलिए काटे ताकि हमारे जो ना पहनने में कमर वाली जगह थोड़ी सी खुल जाए, इस लुक में आ जाए, ठीक है। तो इसे यहाँ पे हम जो है ना लुप्स लगाएंगे। ये हमने लुप्स डोरी तैयार की भी है, 3 लुप्स लगाएंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे हम इसे इस तरह रख लेंगे, यहाँ से 1/2 इंच का गैप दे देंगे, ठीक है। 3 लूप्स इसी तरह हम जो है ना लगा लेंगे, यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ये हम लूप्स लगाएंगे, ठीक है। ये हमने बटन तैयार कराए कपड़े के, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है ना लूप्स लगाएंगे हम, इतने ही बड़े कि हमारा बटन जो है ना आराम से खुल जाए। तो हम इसके साथ अस्तर लगा लेंगे कि सीधा साइड हमारा नीचे है। तो इस तरह रख लेंगे। यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे। इसे हम पलट लेंगे। तो इसी दूसरी साइड भी इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा ली, ठीक है। मैंने प्रेस कर लिया। अब इसकी देखें नीचे वाले जो अस्तर वाला कपड़ा हमारा है, इसकी सीधी साइड हमने इसे बाहर निकाली है, ठीक है, और उल्टी साइड जो है ना हमारी अंदर आ गई। वो इसलिए कि ये जब हम लगाएंगे कोटी हमारी उठी रहेगी, ठीक है। जब उठेगी तो यहाँ पे हमारी सीधी दिखनी चाहिए, उल्टी नहीं दिखनी चाहिए, बुरी लगेगी उल्टी अगर होगी तो, ठीक है। तो सीधा साइड हमें बाहर ही रखना है इस तरह की कोटी अगर बनाएंगे तो। अब इसे हम फ्रंट पे लगा लेंगे। ये मैंने गला काट के गले की कटिंग करके इसकी तुरपाई कर दी।
अब इसे हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे, यहाँ से हम इसे बराबर रख लेंगे। इस साइड का भी इसी तरह हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे। और बैक के साथ हम इसकी कंधी जो है ना जोड़ देंगे। मैंने कोटी को फ्रंट के साथ जोड़ के, ठीक है, मैंने कंधी की सिलाई लगा दी, मैंने साइड की भी सिलाई लगा दी, ठीक है। अब हम इसका कॉलर नाप लेंगे, हमें कॉलर कितने इंच का चाहिए। पहले हम इसका यहाँ सेंटर का कट लगा लेते हैं ताकि हम इसको हाफ नापें। ये जहाँ तक हमारा कट आ रहा है 7.5 इंच आ रहा है, ठीक है। 15 इंच का हमें इसे कॉलर काटना है। कॉलर की पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड कार्ड में भी मिल जाएगी, ठीक है। कॉलर की कटिंग, उसको छिपाने का तरीका और उसकी जो है ना लगाने का तरीका, सिलाई वाला भी हमने लगाने बताया और तुरपाई वाला भी लगाना बताया, ठीक है। इसे यहाँ पर हम शेप दे देंगे। इसे यहाँ पे इस तरह नाप लेंगे, 7.5 इंच पे हम इसे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे हम इसे 1/4 इंच पे निशान लगा लेंगे, 1/4 इंच चौड़ा लगाएंगे हम कॉलर। यहाँ से इस तरह थोड़ा सा हम आड़ा कर लेंगे। इसे हम कपड़े भी चिपका लेंगे। ये मैंने कॉलर काटा था आपके सामने, ठीक है। कॉलर की पूरी वीडियो जो है ना आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एंड कार्ड में भी मिल जाएगा। कॉलर हम किस तरह कटिंग करते हैं, चिपकाने का तरीका और इसे लगाने का तरीका, ठीक है। ये कॉलर हमने तैयार कर लिया इसका, और इसके ये बटन लगा लेंगे हम यहाँ पे। ये जगह इसके बटन लगा रहे हैं, जिस जगह हमारे लूप्स आ रहे हैं बिल्कुल इसी जगह पे हम बटन लगाएंगे, क्योंकि ये लूप्स हमारे खुलेंगे तो हमारा सर आएगा इसके अंदर, ठीक है। इसे हम टाक लेंगे। और इसके जो है फिनिशिंग भी हमने लगा ली है, ये फिनिशिंग लगाने का तरीका भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एंड कार्ड में भी मिल जाएगा, फिनिशिंग हम किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने इसलिए आपको बता दी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल से बता चुके हैं तो उसके बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। और इसकी स्लीव्स भी जो है ना हमने फिनिशिंग लगा के इसे लगा लें। तो एक बटन टाक लेते हैं, बटन टाकने के बाद मैं आपको डमी पे लगा के बताऊंगा कि इसका लुक कैसा आ रहा है। मैंने बटन टाक लिए, ठीक है, और ये हमारी फ्रॉक का फाइनल लुक है। देखिए यहाँ से गैप आ रहा है, इसलिए हमने इसकी गैप रखा था ताकि हमारा कलर नीचे से दिखे, ठीक है। और इसकी बैक है, बैक में भी इसके कलर आ रहा है, ठीक है। देखिए हमने ये जो है ना नॉर्मल सूट के कपड़े में जो है ना ये फ्रॉक बनाई है आपके सामने, किस तरह हमने इसे तैयार किया, ठीक है। और ये इसका दुपट्टा है, टिश्यू का इसका दुपट्टा है ये,